आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। कोतवाली बिलारी क्षेत्र के गांव को अखेड़ा हाज निवासी प्रमोद ने अपनी बेटी शिल्पी की शादी चंदौसी विकास नगर के रहने वाले अंकुर पुत्र स्वर्गीय श्याम मोहन के साथ तय की थी। युवती के पिता प्रमोद ने सगाई आदि सहित कई रस्मों में लाखों रुपया खर्च किया, यहां तक कि अंकुर का मकान बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। 29 जनवरी को बारात आनी थी, सवेरे से ही युवती पक्ष के घर में तैयारियां की जाने लगी। वहीं शाम को बारात के आने की तैयारी की जा रही थी, सभी लोग बारात के आने की तैयारी में खुशी में झूम रहे थे। एक और मंगल गीत बज रहा था, दूसरी और बारात की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच दूल्हे पक्ष की ओर से बारात न लाने का एक फोन आता है, जिससे सारी खुशियां गम में बदल गई। वहीं लड़की के पिता ठाकुर प्रमोद कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद प्रमोद ने अपने भाई को अनुपाल सिंह को दूल्हा अंकुर के घर भेजा। वहां कोई भी तैयार नहीं चल रहा था। इस पर अनुपाल सिंह ने बारात ले जाने का काफी आग्रह किया, मगर दहेज लोभी 20 लाख रुपए की मांग पर अड़े थे। वहीं लिहाजा देर शाम तक बारात नहीं आई तो युवती पक्ष के लोगों ने 100 डायल पर सूचना दी और 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में युवती पक्ष के लोग भी कोतवाली पहुंच गए, जहां लड़की पक्ष में वर पक्ष के पर अंकुर के अलावा माँ धर्मवती, भाई प्रदीप, ताऊ चंद्रभान सिंह, बहनों के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर तहरीर दी। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी, जबकि एक टीम को दूल्हा पक्ष के घर भेजने की तैयारी चल रही थी। अब देखने की वाली बात यह है कि प्रशासन दहेज लोभियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। मेरे पापा ने पहले 5 लाख रुपए मकान में लगा दिए, फिर 20 लाख की मांग की और बारात रात को लेके लाया, भाग गया मुझे छोड़ के। और बारात न आने की कब सूचना मिली आपको? बारात कब आनी थी आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पे कल बारात आनी थी। तो आपने इंतजार कब तक करा? हमने तो बहुत इंतजार करा, आप आ जा रहे हैं, मुझे लेकिन ये आए नहीं। शादी थी बहन की, सब शादी थी बहन की। फिर क्या हुआ? इंतजार करते रहे, बारात आए तो उनके ताऊ चंद्रपाल सिंह जो है लड़के वाले के, उन्होंने 20 लाख की डिमांड करी है साहब। ये चक्कर में 20 लाख का इंतजाम कर लो आप, तभी ये शादी होगी। आपको खबर कैसे लगी बारात नहीं आने की? जी साहब, पतलंग से ही खबर आई थी, हमारे यहाँ के गए थे 2000 ताऊ चाचा इंतजार कर रहे। जी पहले भी आपको दे चुके हैं रस्म जी? कितना? पहले भी 10-12 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं मकान पकान में, इनके सारा काम करा। बारात का इंतजार 8 बजे तक करा था। दहेज प्रथा ये है, इसकी इस पर बड़ी सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम लड़की भाई है जी। हाँ जी, कल बारात आने वाली थी आपके, किस तारीख? क्या क्या बात हुई, क्यों नहीं आया? कब पता लगा आपको? तो आपको खबर कैसे लगी है? पैसे की मांग रहे जी, 20 लाख रुपए चाहिए तब बारात लेंगे।